कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। सो दोस्तों, अभी अभी मैं उठा हूँ सुबह, अभी नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, कपड़े पहन के बिल्कुल स्कूल के लिए रेडी होके मिलूंगा आपसे। अब स्कूल के लिए मैं रेडी तो हो चुका हूँ, अब बैग पैक करना है और बोतल में पानी डालना है और खाना वाना खाऊंगा। इतने में हमारी स्कूल बस आ जाएगी और फिर मैं स्कूल से आके बात करूँगा। ओके बाय गाइस। फ्रेंड्स, मैं अब आ चुका हूँ स्कूल से वापस घर पर और आज मेरा मौसम कल की तरह ही है। कल तो ज़्यादा बारिश हो रही थी, मतलब हो गई थी बारिश, और आज बारिश नहीं आ रही पर मौसम पूरा ख़राब हो रहा है। बादल ही बादल है, बिल्कुल काले रंग के, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। थोड़ी थोड़ी बूंदें तो पड़ने लग रही है, पतली पतली, देखते हैं आएगी या नहीं। सो दोस्तों, दादाजी वहाँ पर बैठे हुए हैं बाहर। और मम्मी जी यहाँ पर भैंस का दूध निकालने लग रही हैं। पराठा चलाया हो इस साइड। तो दादाजी इधर बाहर बैठे हुए हैं, मतलब लेट रहे हैं। और मम्मी जी यहाँ पर भैंस का दूध निकाल रही हैं, इस साइड पराठा चलाया हुआ है। मक्खियाँ बैठती है ना भैंसों पर बचाने के लिए। गाइस, घर के बाहर है ना सब्जी वाला आ रहा है और यहाँ पर ही खड़ा करके बजाने लग रहा है, आलू ले लो, भिंडी ले लो, उसके पास सब्जियाँ लेने जा रहे हैं। सब्जी लेकर आए ताजा ताजा, घर आए मेहमान की इज्जत करना हमारा हक है। अभी जाते हो तो लेकर आते हो ताजा ताजा सब्जी, भिंडी, टमाटर, जिस सब्जी लेने चले गए हम, रुपए ले जाना ही भूल गए। अब रुपए लेने के लिए आया हूँ, अब रुपए तो ले लिए, अब जा रहा हूँ वापस। दोस्तों, रुपए लाया और मुझे सब्जियाँ दे दी और दादाजी रुपए देने गए। वाह, मजे आ गए भाई। बंदर आ गया था, बोले वापस लाओ सब्जी, घिया लिए पता नहीं क्यों मंगा रही, खराब वराब है क्या, वापिस आओ चक्कर काटने। फ्रेंड्स, मेरे हैं ना कल दो टेस्ट है साइंस और संस्कृत के, तो आया हूँ तब से पढ़ने लग रहा हूँ भाई, नंबर वंबर कम ना आ जाए, 20 नंबर का टेस्ट होगा। फ्रेंड्स, मैं दो चैप्टर दिए हैं, एक तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और अगला है कहाँ गया, अब टिश्यू तो हमने अभी याद किया है दो दिन पहले, मतलब चल ही रहा था हमारा टिश्यू तो याद है, सेल वाला टिश्यू से थोड़े दिन पहले याद किया था, तो इसको फिर दोहरा लूँगा, फिर पक्के याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद संस्कृत का करूँगा, संस्कृत में तो पूरा ही दे दिया, संस्कृत में तो हमें सारा काम दे दिया। मैम ने कहा जब तक करवाया है ना, जैसे पाठ हो गए, उसका ग्रामर हो गया संस्कृत का, वो पूरा याद करना है भाई, फंस गए। मम्मी जी भी आ गई हैं घास लेके, और इस साइड दादाजी आ गए हैं जो दूध लेके जाते हैं। मम्मी दूध डाल दो, तो दोस्तों दूध तो डलवा लिया है, देने जा रहा हूँ वहाँ पर, अब काश कोई और ना आ जाए लगातार। बारिक दादा जी आ रहे हैं, बूढ़े उनके लिए नींबू पानी बनाएंगे, तो अब मैं नींबू तोड़ने जा रहा हूँ। बैठे हुए हैं दादाजी और ये रहा नींबू का पेड़। चुड़न चुड़न हाथ आएंगे क्या, नहीं आएंगे तो लकड़ी से तोड़ेंगे भाई। ओ ये रहे ना प्यारे प्यारे नींबू, पर ये छोटे हैं सब, ये रहा मिल गया। ना मिलेगा,
काटे थे लग गए हाथ के, एक ये मिल गया। गाइस हो गए हैं दो नींबू और एक और तोड़ लेता हूँ, पता नहीं मेरे काम पड़ जाए। इनको जिम में डालते हैं। ये रहा भाई, टूट जा, टूट गया। देखो कितने काटे हैं साथ, एक हाथ से तोड़ना पड़ रहा, वीडियो बना रहा हूँ भाई, बाद में तोड़ूंगा, हाथ में लगती है काटों में। तो अब तोड़ लिया, अब जाए नींबू पानी बनाएंगे। वहाँ पर नींबू रखे हैं, नींबू पानी का, नींबू का पानी तो बाद में बनेगा, पहले मम्मी जी चाय पिएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के पास। बाय गाइज़।